सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे कोई चाय तो लेके आओ हमारे लिए। शिव मंदिर, पुराना शिव मंदिर, वहाँ जल्दी जाइए। कौन हुआ है वहाँ? हाँ जल्दी जल्दी जाइए। क्या लगता है तुम्हें मुनीर? मैडम जी, मुझे तो लगता है कि ये लड़का लड़की का लफड़ा है। मुनीर, ये मुझे लड़की नहीं लग रही है। मैडम जी, मुझे तो लगता है ये किन्नर है। एक बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। मैडम, हाँ मैडम, दो फोन मिले। मुनीर पता करो ये कौन है। जी मैडम, मैं अभी खुशबू का फोन करता हूँ। खुशबू? हाँ वो खुशबू, ये किन्नर लोगों की लीडर है। अरे आप समझ नहीं रहे हो, ये पुलिस स्टेशन है, अंदर जाना मना है। मैम साहब नहीं है अंदर। ए जाने दे रे, जाने दे, पीछे हट जा। क्या हो रहा है ये सब? चलिए अंदर चलिए, आइए। हम खुशबू हैं, इस इलाके के सारे किन्नरों की मां हैं हम। बैठिए। मैडम जी, खुशी हमारे साथ रहती थी, हमें इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर मैडम जी, खुशी के लिए इंसाफ चाहिए। खून हुआ है खुशी का, और जो ससुरा खुशी का खून किया है ना, उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बस हमारे साथ चलिए और उस हरामजादे ब्रिजेश को गिरफ्तार कीजिए। अगर आप नहीं जाएंगी ना, तो वो ससुरा भाग जाएगा। हम ऐसे बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और वैसे ये ब्रिजेश है कौन, और खुशी का ब्रिजेश के साथ क्या संबंध है? ब्रिजेश हमारे यहाँ के लोकल MLA का पालतू कुत्ता है। बहुत हो रहा है उस ससुरे का, चौड़ में घूमता है। मैडम जी, बात ऐसी है कि MLA साहब के घर में बेटी पैदा हुई थी, और हमें बुलाने के लिए ब्रिजेश हमारे घर आया था। बदतमीजी है, तमीज से पेश नहीं आ सकते क्या? ए, तो शायद भूल गई है कि शहर के सबसे ईमानदार आदमी से बात कर रही है। ब्रिजेश नाम है हमारा, ब्रिजेश। तो फिर ईमानदार आदमी की तरह रही है ना, ये छिछुरे वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? ए, ये तेवर ना कहीं और जाके दिखाना उसको। समझी कि नहीं? वो तो हमारा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया, इसलिए थप्पड़ बर्दाश्त कर गए, वरना इस थप्पड़ का जवाब देना हमें बहुत अच्छी तरह आता है, समझी? गंगा मैया की कसम, ये गुलबदन जैसा शरीर है ना तुम्हारा, नोच के ना गटर में फेंक दूंगा, ढूंढती रह जाएगी। अरे काहे गुस्सा हो रहे हो बॉस,
खुशी तू अंदर जा, जा जल्दी। हाँ ब्रिजेश बाबू, अब बताइए क्या काम पड़ गया हमसे? अरे हमें बुला लिए होते, यहाँ आने की तकलीफ काहे लिए आप? क्यों, ये हमारा घर भी तो है। ब्रिजेश बाबू, आप तो हमारे माई बाप हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है ये आइटम, पहले तो नहीं देखा इसको यहाँ पे। हाँ नहीं आई है, खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि यहाँ कैसे आना हुआ? इस बात से ये कैसे साबित होता है कि ब्रिजेश ने उसका खून किया है? अरे मैडम, ब्रिजेश बहुत बड़ा तोप आदमी है, असल में वो एक दलाल है, लाइसेंस दिलवाता है, पेट्रोल पंप, दवाइयों की दुकान, ऐसी चीजों का लाइसेंस दिलवाता है ब्रिजेश। और तो और जौनपुर के सारे एमएलए को और भी बहुत सारी चीजें सप्लाई करता है वो। मैडम जी, उस दिन के बाद बड़े बड़े बहाने मारकर ब्रिजेश हमारे घर टपकने लगा। खुशी हमारी टोली की सबसे खूबसूरत किन्नर थी और ब्रिजेश जैसा इंसान उस पर गंदी नजर रखता था। और तो और उसने खुशी के करीब जाने के लिए पैसों का लालच देना चाहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने खुशी के लिए होटल में रूम भी बुक करवाया। क्या खुशी को पता था कि ब्रिजेश ने उसके लिए तुम्हें पैसे ऑफर किए? हाँ मैडम, उसे पता था, खुशी हमारी बेटी की तरह थी। सोचो अगर कभी ब्रिजेश उसे पकड़ लेता और उसके जबरदस्ती करता तो हमने सोचा कि क्यों ना खुशी को सबसे पहले बता दिया जाए ताकि वो सब कुछ समझदारी के साथ और होशियारी के साथ सब चीजें संभाल ले। खुशी की मांग में सिंदूर था। जी मैडम, उसका एक आशिक था जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। कौन था ये? ये लीजिए, ये था वो। अरे मैडम, ये तो वही लड़का है जो सुबह थाने खबर देने आया था और खुद ब खुद बेहोश हो गया था। इसका मतलब खुशी को जिस बात का डर था वही हुआ। किस बात से? खुशी 4 दिन पहले आई थी हमारे पास अपनी शादी की खबर देने। दीदी दीदी, हम शादी करने वाले हैं, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हम बहुत खुश हैं दीदी, हम बहुत खुश हैं। दीदी दीदी, हमें हमारे पैसे चाहिए। वो क्या है ना, हम शादी के बाद देवेन पर बोझ नहीं बनना चाहते। दूर हट, बोझ नहीं बनना चाहते। देख खुशी, हमारी बात कान खोल कर सुन ले। पहली बात तो ये कि तेरे पैसों की हमने FD बना ली है, और दूसरी बात, तू शादी तो यहीं करने वाली है ना, तो तुझे पैसों की क्या जरूरत है? लेकिन दीदी, हम भाग कर शादी करने वाले हैं, वो देवेन के घर पे हमारे रिश्ते को लेके बहुत चिक चिक चल रहा है, उसके जीजा हमें शांति से जीने नहीं देंगे दीदी। अरे उसने तो धमकी दी है कि वो हमें मार डालेगा, आप समझ रही हो दीदी, इसीलिए हम भाग रहे हैं। हम भाग के कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे, पर उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना दीदी। तो हम चाहते हैं प्लीज़ दीदी, आप FD तोड़ दीजिए ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे 12 लाख देवेन को दे दे हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा भविष्य और बुढ़ापे का सहारा तो अब वही है ना, तो हम हमारे पैसे तो उन्हीं को देंगे ना। ये FD का चक्कर क्या है? मैडम जी, खुशी ना अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी और वो सारे पैसे लाकर हमें देती थी, तो हमने सोचा कि 12 लाख बैंक में जमा करने से अच्छा है तो उसकी FD बना लें, तो हमने सारे पैसे FD में तब्दील कर दिए। ये देवेन के जीजा जी कौन है? प्रदीप जायसवाल, पकरी के पास उनकी दवाइयों की एक दुकान है और पंप हाउस के पास मकान। मुनीर जी, मैडम पता करो उस लड़के को होश आया कि नहीं। यस मैडम। मिस्टर देवेन, कोई बात नहीं, लेटे रहो। हम जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब डिटेल्स में देना,
सोच के देना और कुछ भी भूलना मत। जी। खुशी और तुम्हारे बीच में क्या संबंध था? मैडम, खुशी हमारी जिंदगी है, मतलब थी। एक दिन हम पानी पूरी खाने गए थे तो वो भी हमारे पास आके खड़ी हो गई। भैया एक पानी पूरी देना। हमें देख रही थी और देखते देखते खुशी से हमारी तरफ इशारे कर रही थी। हम थोड़े से छटपटा उठे और उस दिन हमें पता चल गया था कि उसे हमसे लगाव है, लेकिन वो एक किन्नर थी और हमें हमारा दायरा अच्छे से पता था। भैया एक पानी पूरी देना, शादी करेगा हमसे, हमारे पास बहुत पैसा है, जिंदगी बना दूंगी तेरी, तेरे उस हरामखोर जीजा से छुटकारा दिला दूंगी हमेशा के लिए। वैसे ये रंग कैसा लगा तुझे? तेरे लिए ही लगाया है मैंने। हफ्ता हुआ था और हमने तय किया था कि हम शादी करके ही शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, वहां पर मिलकर अपना साथ में एक छोटा मोटा सा कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। खुशी के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे, बल्कि उसके पास अपनी खुद की एक अपनी ही फिक्स डिपॉजिट भी जमा थी, तो हमने इसी हिसाब से प्लान किया था कि उस सारे पैसे को यूज करके इस शहर को छोड़कर कहीं पर बढ़िया सा सेटल हो जाएंगे और नई जिंदगी बसाएंगे, एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। फिक्स डिपॉजिट खुशी ने किया था? जी। तो हमने सोचा कि 12 लाख बैंक में जमा करने से अच्छा है तो उसकी एफडी बना लें। तो हमने सारे पैसे एफडी में तब्दील कर दिए। तो फिर उस पैसे का क्या हुआ? पता नहीं मैडम, शादी से एक दिन पहले खुशी खुशबू से मिलने गई थी, उसको बताने कि वो शहर छोड़ के बाहर जा रही है, तो सारे बैंक के जो भी कागजात सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसको वापस देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खुशबू ने देने से मना कर दिया। क्यों? मैडम क्या है ना कि जो खुशबू है ना, ये बहुत ही, कहना नहीं चाहिए पर बहुत ही गंदी औरत है। एक तरफ जीजा जी जो दवाई का दूसरा दुकान खोलना चाहते थे, तो बस जबरदस्ती हमारी शादी कराने चाह रहे थे कि दहेज का पैसा मिले और उससे अपनी दुकान खरीद सके, और दूसरी तरफ ही खुशबू जो पैसे के लिए खुशी को ब्रजेश के पास भेज रही थी। लेकिन खुशबू के हिसाब से तो वो ब्रजेश को गुनहगार मानती है। उसका कहना है कि ब्रजेश ने खुशी को मारा है। पता नहीं मैडम कि खुशबू ने ऐसा क्यों कहा, बल्कि हमें लगता है कि जरूर खुशबू और ब्रजेश के बीच कोई अनबन हो गई होगी, कोई तनाव होगा, क्योंकि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने खुद कितनी बार खुशबू को ब्रजेश के यहाँ देखा है। अच्छा ये बताओ कि कल रात को क्या हुआ था? मैडम कल रात को हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। पुराने शिव मंदिर में हमने शादी करने का तय किया और वो मंदिर एकदम सुनसान जगह पे था। हमने एक मंगलसूत्र को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक अपनी कलाई पे बांध दिया और दूसरा खुशी पे। हमने इस टूटे हुए मंगलसूत्र के दो हिस्सों को एक नया नाम दिया, प्रेम सूत्र। उसके बाद हमने उसका मांग भर दिया और उसने उसी सिंदूर से हमारे माथे पे तिलक लगाया। शादी कर रहा है और वो भी सीजड़े से। जीजा जी जिंदगी बर्बाद करनी है वो भी इस बेकार सी चीज के लिए। सबान संभाल के बात कीजिए जीजा जी। संभाल ही रहा हूं, तुझे भी और तेरी बहन को भूल गया, फुटपाथ से उठाकर लाया था, शादी में दहेज के नाम पर एक पैसा नहीं लिया, और तेरी इन कारनामों की वजह से कई मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूं मैं।
क्या कुछ नहीं दिया तुझे? अरे बता मुझे, निकम्मा तू, काम नहीं करता तू, फिर भी तुझे नौकरी थी ताकि तू इज्जत की जिंदगी जी सके, और तू क्या कर रहा है? ये किन्नर के साथ शादी कर रहा है। कौन सी इज्जत की जिंदगी दी है आप हमें? हाँ, कौन सी इज्जत की जिंदगी की बात कर रहे हैं? बाप बाप पे ताने पिताने मारते रहते हैं हम। कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? वो फ्री वाली, हाँ, जिसकी आप हमें तनख्वाह तक नहीं देते। अरे जीजा जी, आपको तो नौकर चाहिए था, नौकर, इसलिए आपने हमें अपनी दुकान पे रखा हुआ है, मुफ्ती वाला। कोई इज्जत की जिंदगी नहीं दी आपने हमें, इज्जत की जिंदगी हमें खुशी दे दी। बहुत पैसा इसके पास, ताकि हम दोनों नए तरीके से एक नई जिंदगी शुरुआत कर सके, नया बिजनेस खोल सके। अरे कौन सा बिजनेस करेगा? जिस्म का? जीजा जी, ज़बान संभालिए। देवेन नहीं, ब्रिजेश तो ऑफर भी दे चुका। जीजा जी, जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। जीजा जी, ठीक है, कोई गलती नहीं, सारी गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई गलती नहीं, ठीक है, सब ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पुरानी बातों को भूल जाओ और तुम दोनों कहीं नई जगह जाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत। थैंक यू रीजा जी। रीजा जी, रुक, देवेन, रीजा जी, थैंक यू। जो दूसरा आदमी था वो कौन था? मैडम वो ब्रिजेश का ही आदमी था। तुम्हें कैसे पता कि वो ब्रिजेश का आदमी था? क्या ना मैडम, कि वो आदमी ब्रिजेश के साथ हमारी दुकान में आया था एक दिन, इसीलिए हमें याद है। अच्छा, मान लिया कि खुशी के मौत से तुम्हारे जीजा जी को फायदा होने वाला था, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खुशबू और ब्रिजेश को कौन सा फायदा होने वाला था। मैडम ब्रिजेश को चाहिए था बदला, और वो खुशबू उसको फिक्स डिपॉजिट के पैसे, क्योंकि क्या है ना कि खुशी ने अपनी एफडी की नॉमिनी खुशबू को ही बना रखा था। तुम्हारी बहन को पता है इसके बारे में? नहीं मैडम। ठीक है, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो। बहुत खूबसूरत हो तुम। हम खूबसूरत नहीं, खुश नसीब है क्योंकि आप हमारे जिंदगी में आए, वरना हम जैसों के नसीब में ये प्यार और इज्जत कहाँ। ऐसा नहीं बोलते, पता है हमारे जैसे खुशबू दीदी, नगमा, विमला, हमारे कौम के सभी लोग, इन सब का एक आम जिंदगी जीने का ख्वाब होता है, मर्द से शादी मनाना, नौकरी पर जाना, लेकिन सबके नसीब में तुम्हारे जैसा आदमी थोड़ी है। हमारे जीवन में ये सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि क्योंकि तुम आए हो। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितनी खूबसूरत है तुम्हारी ये हंसी, हम जिंदगी भर तुम्हें
यूं ही खुश देखना चाहते हैं। शायद इसी को तो प्यार कहते हैं ना। हमारा समाज प्यार को अलग अलग अंदाज में देखता है। उसने प्यार को कई हिस्सों में कंपार्टमेंटलाइज यानी कि विभाजित कर दिया है, जैसे कि पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार इत्यादि। लेकिन जब यही प्रेम साधारण से हटकर कुछ अलग दिखने लगता है तो समाज इसे स्वीकारने से इनकार कर देता है, जैसा कि देवेन और खुशी के साथ हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्यार तो प्यार ही होता है, फिर इसमें ये दोगलापन क्यों? प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन आजकल जिस तरीके से ऑनर किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि अपनी पसंद से प्यार करना कोई गुनाह से बढ़कर नहीं है। खुशी के साथ जो हुआ, क्या वो समाज का दोगलापन और नफरत थी? लेकिन एक बात है जो समझ में नहीं आ रही कि हत्या खुशी की ही क्यों हुई, देवेन कैसे बच गया? क्या इसके पीछे कोई और उद्देश्य था? नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की इस कहानी को जानने के लिए आइए चलते हैं आगे। देवेंदर का घर यही है? वो हमारा भाई है जी। वो हॉस्पिटल में है, जख्मी हालत में। क्या मतलब? मतलब उन पे किसी ने हमला किया है और इसकी मंगेतर या पत्नी, उनको किसी ने मार डाला। हमें पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उस किन्नर ने हमारे भाई को फंसाया, देवेन भी पगला गया था। हमारे भाई ने झगड़ा किया उस किन्नर के लिए, हम सबसे, हमसे, हमारे पति से शादी करना चाहता था। अब आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है? शादी एक आदमी और एक औरत के बीच में होती है, लेकिन वो एक किन्नर से शादी करना चाहता था। हमारे पति ने समझाया था उसे कि इसका अंजाम बुरा होगा, पर वो हमारे पति से लड़ झगड़ के गाली गलौज करके घर से चला गया। आपके पति को बुलाएंगे प्लीज? वो घर पर नहीं है। आपको पता है कि वो कहाँ पे? नहीं। वो घर से कब निकले थे? परसों रात से वो घर नहीं पहुंचे। वो परसों से घर नहीं आए और परसों रात को ही ये सारे किस्से हुए। आपको क्या लगता है कि ये संयोग है? पहली बात तो ये कि काम के सिलसिले से हमारे पति बाहर रहने लगे ज्यादातर टाइम। दूसरी बात ये कि देवेन से आजकल हमारे पति का बहस बहुत होने लगा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उस किन्नर को उन्होंने मारने की कोशिश की। देवेन जैसे निकम्मे को हमारे पति ने अपने दुकान पर नौकरी दिया था, जिस बात का वो फायदा हर बार उठाता था। उस किन्नर से मिलने के बाद तो वो दुकान ही जाना बंद कर दिया, लेकिन हाँ, जब भी पैसे लेने होते थे वो जरूर हाजिर हो जाता था। फिर भी प्रदीप यानी हमारे पति ने कभी भी उसे नौकरी से नहीं निकाला। हाँ, कभी कभी गुस्से में वो कड़वी बातें बोल देते थे, लेकिन वो तो होना ही था। अब आप ही बताइए, क्या कोई ऐसे रिश्ते को मंजूर करेगा? आपके पति ब्रिजेश को जानते हैं? जी, वो ब्रिजेश के साथ मिलकर पेट्रोल पंप खोल रहे हैं। मुनीर, मुझे ब्रिजेश के घर पे मिलो। ब्रिजेश बाबू का है? अंदर है। अरे मैडम। अरे वाक। अरे वाक खुशबू, तुम यहाँ? लेकिन कल तक तो तुम इन्हीं के बारे में। नहीं मैडम, हमारा मतलब है आज वो हफ्ते का दिन है ना, मतलब मैडम हमने इसको बुलाया था यहाँ पे, वो क्या है ना कि प्यार से समझाने के लिए हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अच्छा,
तो समझाने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं क्या? नहीं नहीं, समझाने के बाद हम पैसे दिए हैं इसको। अबुका है कि खुशी के मौत का ना हमको भी बहुत दुख हुआ, लेकिन देवेन बच गया, इस बात की हमें खुशी है। अब खुशी के मौत के बाद उसके क्रियाक्रम में भी तो पैसा लगेगा, बस उसी के लिए इसको पैसा दे रहे थे। और आप मैडम कैसी ऑफिसर हैं, हैं? आपको क्या लगता है ये सब हम किए हैं? अरे मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। वैसे भी म्युनिसिपल इलेक्शन में हम खड़े हुए हैं, अब काहे खामा खामी इन सब लफड़ों में हम घुसेंगे? आपका सारा शक ना बेबुनियाद है। मुझे क्या लगता है और क्या नहीं, ये मैं तुम दोनों को थाने में चल के बताऊंगी। चलो दोनों थाने। हम फिर से पूछ रहे हैं कि प्रदीप के साथ जो तुम्हारा धंधा था, उसी ने तुमको खुशी को मारने की सुपारी दी थी ना? और वारदात के दिन तुम्हारा ही बंदा प्रदीप के साथ गया था ना खुशी को मारने के लिए? कौन सा बंदा? हमारा कोई आदमी प्रदीप के साथ नहीं गया था। और ये सब आपको कौन बता रहा है? देखिए मैडम, अगर हमको खुशी चाहिए ना तो हम खुशी को उठवा लेते। हम ऐसे आदमी नहीं है, हम ऐसे लगते हैं पर हम गुंडा नहीं है। देखिए मैडम, हमको खून उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इलेक्शन सर पे है, 36,000 काम है हमारे पास। हमने आपको कितनी बार बताया मैडम जी कि वो फिक्स डिपॉजिट हमने ही करवाया था, और उसकी मैच्योरिटी पूरे होने में अभी 3 साल है। हमने जो कुछ भी किया है खुशी की भलाई के लिए तो किया है। खुशी के फिक्स डिपॉजिट का नॉमिनी तुम ही हो ना? हाँ हम ही है, पर आप हमारी बात तो मानिए। आपको कोनो गलत फहमी हुआ है मैडम जी। जो भी आपको ये बताया कि मैच्योरिटी टूटने वाला है, वो सरासर झूठ बोल रहा है मैडम जी, झूठ बोल रहा है वो। खुशी को पाने के लिए तुमने खुशबू को पैसे दिए, खुशी ने इनकार कर दिया तो तुमने उसका खून कर डाला। अरे कैसा बात कर रही है मैडम, इतना सा बात के लिए मुझको मरवाएंगे? देखिए हमारे को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, और मैडम अगर हम चाहें ना तो खुशी से ज्यादा खूबसूरत लड़की को हम खरीद सकते हैं। तुमने ब्रिजेश से खुशी के लिए पैसे काहे लिए? ब्रिजेश जी ने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा था, हमने उनसे बोला कि हम खुशी से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। खुशी हमारी बेटी की तरह थी मैडम जी, बेटी की तरह थी वो, हम उसके साथ कैसा कर सकते हैं ऐसे? और खुशी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुमने खुशी का खून कर दिया ताकि फिक्स डिपॉजिट के पैसे भी तुम्हें मिले। और ब्रिजेश के पैसे भी तुम्हारे पास ही है ना? नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने हमें बताया कि ब्रिजेश ने ही खुशी का खून किया है और फिर उसी के घर पे मिलने गए। मैडम जी, हमसे सिर्फ एक ही गलती हुई है कि हमने ब्रिजेश जी को फंसाना चाहा। पहले हमारे पीछे था और खुशी को देखने के बाद उसका दीवाना हो गया। जलन, जलन होती थी हमें उससे, जलन। कोई इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कैसे बन सकता है? हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि उन दोनों का प्यार तोड़ सके। उनको साथ में देखना हमारे लिए जहर बन चुका था, जहर। और साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि वो ब्रिजेश जी के चंगुल में फंस जाए ताकि हमारा धंधा चलता रहे। लेकिन लेकिन हमें खुशी को भगाने में मदद करनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम जी, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए मैडम जी, हम तो आज भी ब्रिजेश जी के घर गए थे उनके पैसे वापस लौटाने, और साथ साथ ये भी बोले कि इन पैसों का इस्तेमाल खुशी के अंतिम संस्कार के लिए अच्छे से करना। ब्रिजेश जी बेकसूर है मैडम जी, बेकसूर है ब्रिजेश जी। ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा था, जिस केस को हम ऑनर किलिंग का केस समझ रहे थे वो असलियत में उससे कई गुना ज्यादा उलझा हुआ निकला। इसमें काम, क्रोध, मोह, माया, लालच सब जुड़े हुए थे। समाज के शक्तिशाली लोग दो कमजोर लोगों को अपने वश में करना चाहते थे सिर्फ इसलिए कि वो उनका फायदा उठा सके। इस केस में साफ साफ नजर आ रहा था कि जिस तरीके से प्रदीप ने हर तरीके से देवेन का फायदा उठाया, उसी तरीके से खुशबू भी खुशी का फायदा उठा रही थी। 3 दिन हो चुके थे मर्डर हुए, लेकिन अब तक
ये पता नहीं चला था कि ये मर्डर किसने किया है और इसके पीछे मकसद क्या है। मर्डर के दिन खुशी को सिर्फ देवेन ने फोन किया था, लेकिन देवेन ने दो फोन कॉल्स किए थे, वो भी मर्डर होने से 3 घंटे पहले। मैडम, क्राइम सीन से ये मिला है। और ये डॉक्टर सिन्हा की रिपोर्ट, और ये खुशी की चप्पल। एक काम करो। जी मैडम। डॉक्टर सिन्हा को फौरन बुलाओ। ओके मैडम। डॉक्टर सिन्हा, आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक खुशी के बालों में सीमेंट के ट्रेसेस थे, इसका क्या मतलब है? मतलब क्राइम सीन पे कहीं ना कहीं सीमेंट रखा हुआ था जो उसके चप्पल पे लगा था, और उसके सर के बालों में खून से चिपका हुआ था। पर क्राइम तो खुली जगह पे हुआ था, वहां सीमेंट का कोई नामो निशान नहीं था। आर यू श्योर? क्राइम सीन पे कहीं सीमेंट का बैग या सीमेंट नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, मैं ये कैसे भूल गई। क्या हुआ मैडम? ये शिव मंदिर में जहाँ पे खुशी की बॉडी मिली थी, उसके कुछ आगे सीमेंट का गोडाउन है ना? हाँ मैडम, लेकिन वो बहुत टाइम से बंद पड़ी है। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा। मुनीर, तुम सीमेंट के गोडाउन में जाओ और वहां देखो कि क्या है, और मैं खूनी को पकड़ने जा रही हूं। कहाँ है तुम्हारा भाई? अपने कमरे में। पर क्या हो गया? कहाँ जाने की तैयारी में भाई साहब? बस मैडम, अब खुशी के बिना यहाँ रहने को मन नहीं करता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको यहाँ इसलिए नहीं रहना है क्योंकि खुशी के कातिल कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। ये क्या कह रही हैं आप? भाई दाद देनी पड़ेगी। पहले दिन से हमें इस तरह से गुमराह कर रहे हो कि कुछ पल के लिए तो मैं भी गुमराह हो गई थी, पर अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। एफडी के पैसों के लिए तुमने खुशी का खून किया, अपने जीजा जी के तानों से तुम तंग आ चुके थे, इसीलिए तुमने खुशी को सहारा बनाया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। ₹12 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और जब तुम्हें यह पता चला कि खुशी के ₹12 लाख खुशबू के पास है और वो तुम्हें नहीं मिल सकते, तो तुम्हें खुशी की अब कोई जरूरत नहीं रही। इसीलिए तुमने खुशी का खून किया और हमें एक अजीबोगरीब कहानी सुनाकर यहाँ से भाग रहे थे। वाह। नहीं मैडम, आप सबको कुछ गलत फहमी। हेलो, मिस्टर देवेन शर्मा, मैं आपको खुशी और प्रदीप जायसवाल के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूं। बताएगा? सच बताएगा? हाँ, हमने ही खून किया दोनों का, लेकिन हमारा इरादा उन दोनों का खून करने का नहीं था। हम मानते हैं कि जीजा जी का खून करने के बारे में हमारे दिल में बहुत बार ख्याल आया था कि उन्हें मार देते हैं,
लेकिन हमने कभी असलियत में उन्हें मारने का नहीं सोचा था। हमें लगा कि जीजा जी का कोई बच्चा तो है नहीं, तो उनकी दुकान तो हमें ही मिलेगी। हम तंग आ गए थे, उनकी बातें सुन सुनकर हम तंग आ गए थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हमने उस घर को छोड़ा और उस घर को छोड़ने के लिए खुशी हमारा जरिया बनी। देव, कल सुबह लखनऊ के लिए कितने बजे निकलना है? इतनी भी जल्दबाजी का है? हम सोच रहे थे कि दो दिन बाद चलते हैं। क्यों? हमने तो तय किया था ना कि हम शादी करके तुरंत ही निकल जाएंगे। देखो, हम ज्यादा देर तक अगर यहाँ रुके तो जीजा जी कुछ कर बैठेंगे और फिर खुशबू दीदी, उन्हें भी पता चल जाएगा ना। तुम्हारे पैसे भी तो है, उनका क्या, कहाँ है पैसे सारे? वो खुशबू दीदी से हमने बात की है उनके बारे में, उन्होंने कहा है सारे पैसे FD में रखे हैं, 3 साल के बाद हमें मिल जाएंगे। अरे कोई मजाक है क्या? मजाक कर रहे हो? 3 साल बाद मिलेगी FD। भाई हमने तुमसे शादी की ताकि हम लोग इस शहर को छोड़ के चले जाएं, अपना नया काम धंधा शुरुआत करेंगे, एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे, इज्जत की, यहाँ से जाएंगे, अपने वो जीजा जी जो टुकड़े हमको मारते हैं ना, उनके पलना नहीं पड़ेगा उन पर। हमें अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं है। देखो ऐसा नहीं होता, FD जो है ना उसे तोड़ा भी जा सकता है। चलो चलो हमारे साथ चलो, हम कर। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने हमसे शादी पैसों और बिजनेस करने के लिए की है, प्यार नहीं करते हमसे? अरे अरे हा? ऐसा कुछ नहीं, प्यार नहीं होता तो घर थोड़ी ना छोड़ते। अच्छा तो मैं काम करे, सब सामान वगैरह सब बांधो, हम कल ही लखनऊ जाएंगे, ठीक है? हम पैसों का इंतजाम करके आते हैं। हमें पता चला कि खुशी के पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम खुशी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो इसलिए हमने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और इसके लिए हमने पुराना सीमेंट का गोडाउन ढूंढा और उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था, और बस उस रात हम वहां पहुंचे। हेलो खुशी। हाँ हम बोल रहे हैं। अच्छा सुनो ना, एक बहुत जरूरी काम है तुमसे, तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। अरे हमारी खुफिया जगह है, आओ तुम्हें याद दिखाते हैं। सीमेंट का ना वो पुराना गोदाम है बस, हाँ जो बंद रहता था बस वही, उधर ही आना। अच्छा सुनो जल्दी आओ, एक इमरजेंसी है, एक प्लान है हमारे दिमाग में, वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, आ जाओ। जीजा जी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हम वही कह रहे थे कि हम खुशी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप जहाँ चाहते हैं उस जगह पे हम शादी करा दीजिए हमारी, हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप शादी कर लेंगे जी। अरे गधे बन गए थे जीजा जी, हम पागल हो गए थे, पगला गए थे, बल्कि किन्नर भी कभी किसी के जीवन साथी बन सकी है का? अच्छा सुनिए ना, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आप जल्दी आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, हम यहाँ हैं, वो दुकान के बगल में जो वो है ना पुराना सीमेंट का गोदाम, बस उधर ही बैठे हम आपका वेट कर रहे हैं। नहीं ना, अरे घर पे नहीं हो सकती इतनी बातें, आप एक काम करिए, वही पुराने वाला अपना माहौल जमाते हैं, देख जल्दी आइएगा, रुके हुए हम। हाँ ठीक है ठीक। देव यहाँ क्यों बुलाए हो हमें? चलो चलो कोई अच्छी जगह जाके खाना खाते हैं। अरे क्या कर रहे हो? रोमांस करने का ना मूड है बेबी। चलो आते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? बेशर्म, यही बेशर्मी दिखाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? आज मैं तुझे यहीं जिंदा दफन कर दूँ। नहीं छोड़ दो इन्हें, वरना हम आपको मार देंगे। हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, जीजा जी का नाखूनों का निशान खुशी के गाल गले कंधे सब पर बढ़ते गए, हमारा केसव और भी जबरदस्त हो गया, एकदम फुल प्रूफ।
अब खुशी का मर्डर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीजाजी के फिंगरप्रिंट्स, नाखूनों के निशान अच्छे से दिख जाएंगे। बस हम एकदम निश्चिंत हो गए कि बस हमारा रास्ता तो अब क्लियर है। क्या किया तुमने? अरे बीवी को मार रहा था, यही होना चाहिए था इसके साथ। जीजाजी, जीजाजी, ये तो मर गए। चलो हम यहां से निकलते हैं, कोई देख लेगा तो। हम चलते हैं, चलते हैं, कभी पहले अधूरा काम तो पूरा कर ले। कैसा काम? पूरा नहीं छोड़। से कहते हैं एक तीर से दो निशान। खुशी को मार के जीजा जी हो जाएंगे गुनेगार साबित। जीजा जी के बाद दुकान हुई हमारी और बस अब बना ये एक फुल प्रूफ प्लान। तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान फुल प्रूफ नहीं रहा है ना? इतना याद रखना कि कोई भी मर्डर फुल प्रूफ नहीं होता। खूनी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। मुनीर जी। मैडम केस थोपो इस पे। यस मैडम। देवेन पर दफा 302 के तहत मर्डर चार्जेस लगाए गए और उसे उम्र कैद की सजा हुई। आखिर देवेन कब और कैसे क्रिमिनल बना और वो कौन सी चीज है जो अच्छे खासे इंसान को कातिल बना देती है? जवाब है लालच। जी हां, लालच। खुशी ने देवेन का प्यार पाने के लिए उसे पैसों का लालच दिया और देवेन पैसों के लालच में खुशी के साथ प्यार का नाटक करता रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप कदम कदम पे देवेन की बेइज्जती करता रहा, जिसका अंजाम यह हुआ कि प्रदीप की जान चली गई। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो बिना किसी मतलब के की जाती है। अगर कोई आपसे मतलब से मोहब्बत कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाइए। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।